हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम मोबिन है। न्यू ऑल्सो वॉचिंग टेक्निकल मोबिन। आज है सैटरडे और खास सैटरडे के लिए मैं आप सबसे कुछ अलग ही वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं पर्सनली जो ऐप यूज करता हूँ मोबाइल के अंदर वीडियो बनाने के लिए, कौन सा कैमरा ऐप यूज करता हूँ, थंबनेल के लिए कौन सा ऐप यूज करता हूँ बहुत ही आसानी से, और गेमिंग के लिए आप कौन सा रिकॉर्डिंग यूज कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली बताने वाला जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो आपको सजेशन करूँगा, अगर आप उसे पसंद है तो आप यूज कर सकते हो। तो आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ काम ही का चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो, और अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मिस्टर मोबिन 13 से आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पर। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला, वहां से जाकर फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कैमरा से। तो गाइस, अगर आप मोबाइल से वीडियो शूट करते हो तो गाइस आपके लिए कैमरा होगा जो नॉर्मल कैमरा से आप जब यूज करते हो, जो मोबाइल का जो पर्सनली दिया जाता है गाइस, उसमें आप माइक्रोफोन, जैसे ये मेरा माइक्रोफोन लगा हुआ राइट, ये आप लोग अगर उसमें लगाते हो तो वो सपोर्ट नहीं करेगा और आपका वॉइस क्लियर नहीं आएगा गाइस, ये बात आप जानते हैं। तो गाइस, इसके लिए आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल अभी जो आप जो यूज कर रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं। और गाइस, आपको सजेशन करता हूं जो फाइनली मैं ही यूज करता हूं, मैं अपना कैमरा जो कैमरा ऐप तो वो है ओपन कैमरा। गाइस, ओपन कैमरा के बारे में आप सुना होगा, जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ जो अभी ओपन कैमरा है राइट, ये आप प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर, जहाँ से आप गूगल पर जहाँ भी सर्च करो वहाँ से आपको मिल जाए, फ्री ऐप है, कोई पैसा चार्ज नहीं है और इसका आसानी से आप यूज कर सकते हो। अब गाइस, इसमें कुछ सेटअप करना है तो चलो मैं आपको बता क्या सेटिंग करना है। तो गाइस, फाइनली ये है मेरा मोबाइल और ये इसमें हमने ओपन किया है कैमरा। ओपन कैमरा आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद जो आपको सामने यहाँ पर कुछ देगा, ठीक है, आपको यहाँ पर जो आपको जो भी कुछ मांग रहा है, ठीक है, आप वो दे सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर देखना है आपको पहले फेस डिटेक्शन का आपको ऑन कर लेना राइट, आपको जो ऑटो फेस होगा ये आपको ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर, तो यहाँ पर फोकस एरिया पर ऑन करना है, पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर आपको ऑन कर देना है, फिर आपको दूसरा में नहीं जाना है, रिपीट में कोई ऑप्शन नहीं, फिर आपको यहाँ पर देखना है। और गाइस, यहाँ पर वीडियो सेटिंग में ऑप्शन में जाना है। गाइस, आपको वीडियो सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखो आपको वीडियो का रिजोल्यूशन आपको सेलेक्ट करना है। तो गाइस, यहाँ पर आप जितना आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से, फुल एचडी पर मेरा सेलेक्ट है और आप जितना पर सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं करना, वीडियो फॉर्मेट भी, फिर गाइस आपको नीचे आना, ठीक है, यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है तो आपको उसको ऑप्शन को ऑन कर, अगर आपका ऑफ है तो उस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। फिर आपको ऑडियो सोर्स का ऑप्शन आ रहा है गाइस, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। अगर आपका एक्सटर्नल माइक यानी जब बाहर से आप माइक लगा था वो है तो अगर उससे शूट होगा, उससे रिकॉर्ड होगा, फिर अगर वो नहीं है तो फिर अपना नॉर्मल जो माइक दिया था मोबाइल उससे रिकॉर्ड होगा। तो बस यही करना है इसमें, ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, ऑडियो सोर्स का ऑप्शन पर जाकर आपको यही क्लिक करना है। तो गाइस, ये तो हो गया हमारा जो फेस कैम वीडियो बनाते हैं उसके लिए कैमरा का यूज करता है तो उस पर हम यूज कर सकते हैं राइट गाइस। अगर आप गेमिंग करते हो या फिर मोबाइल से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसमें आपका कौन कैमरा बेस्ट रहेगा, तो जो यानी कौन सा ऐप बेस्ट रहता है गाइस, मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो है एजे स्क्रीन रिकॉर्डर। ये प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा गाइस, आप इसको आराम से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो कहीं से भी। इंस्टॉल करने के बाद इसमें कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग करना है यानी चेकआउट कर लेना जो आप में चालू है कि नहीं। तो क्या सेटिंग करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आप अपना एजे स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल करके ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको रिसोल्यूशन अपना हिसाब से रखना है, जितना आप रखना चाहते हो, फुल एचडी या फिर 1080 यानी मैं तो 720 पर रखा हूँ, बाकी आपको कुछ नहीं करना, बाकी सब में ऑटो डालने देना। फिर यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो का जो ऑप्शन आ रहा है गाइस उस पर आपको ऑन करें, अगर आप ऑन है तो आपको चेकआउट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ऑडियो सोर्स का जो ऑप्शन आ रहा है गाइस इसमें आपको माइक्रोफोन कर लेना, ठीक है। अगर आप माइक्रोफोन करते हो गाइस आपका जो माइक होता है उससे रिकॉर्ड होगा, या फिर आप इंटरनल पर इंटरनल पर रिकॉर्ड, बाहर से जो माइक्रोफोन है वो बंद कर देगा यानी उससे रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसमें यही सेटिंग करना था, बाकी कुछ और नहीं है गाइस। तो इसमें आपको दो ही सेटिंग करना था, जो ऑडियो का जो रिकॉर्ड है उसमें माइक्रोफोन कर देना राइट, आप जो आप यूज करते हो माइक्रोफोन उससे आपको रिकॉर्ड होने लगा। गाइस, हम आगे जो बात करने वाले हैं वो होने वाला थंबनेल के ऊपर राइट। आप थंबनेल सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा थंबनेल है, क्योंकि जब भी कोई बंदा क्लिक करे, आप भी क्लिक करते हो तो थंबनेल से ही क्लिक करते हो। तो गाइस, अगली हम थंबनेल आप क्या चीज़ कौन सा ऐप यूज करते हो थंबनेल बनाने के लिए, आप मुझे कमेंट करके अपना बताओ आप कौन सा, मैं भी तो देखूँ कौन सा आप यूज करते हो। तो गाइस, चलो मैं अपने बारे में बताता हूँ मैं पर्सनली कौन सा यूज करता हूँ। तो गाइस, सबसे पहला मैं यूज करता हूँ पिक्सल लैब, दूसरा है पिक्सआर्ट। और गाइस, इंपॉर्टेंट बात अभी और ही बताने गाइस, तो वीडियो अभी भागना मत, क्योंकि अभी इसमें और भी पर्सनली चीज़ बताने वाला हूँ जो क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है राइट। तो आप वीडियो को पूरा भी देखते रहो गाइस। तो गाइस, पहले मैं थंबनेल का बात करता हूँ। तो गाइस, इसमें आपको पिक्सआर्ट या फिर आप पिक्सल लैब दोनों यूज कर सकते हो, या फिर आपको जो
पसंद आया। पिक्सल भी बहुत ही बढ़िया ऐप है, पी चार्ज भी बहुत बढ़िया है। दोनों में आपको यूट्यूब थंबनेल का जो साइज मिल जाएगा, आप वहाँ से सिलेक्ट आउट कट आउट के लिए वहाँ पर आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप अपना थंबनेल बना सकते हो। और गाइस थंबनेल बनाने से पहले जब आप कोई फोटो क्लिक करते हो थंबनेल के लिए, उससे पहले आपको कुछ नहीं करना, उससे पहले आपको लाइट रूम, आप जो भी एडिटिंग ऐप यूज़ करते हो कलर मशीन के लिए, तो ऐसे आपको उस फोटो में उसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद गाइस उसका पूरा फोटो का पहले मतलब कलर पूरा मैच कर लेना, ठीक है। फेस एकदम अच्छा आना चाहिए, ठीक है। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर मैच करना है। कलर मैच करने के बाद ही गाइस अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो आपके लिए स्पेशली मैं आपको लिए लाया हूँ इस बैकग्राउंड रिमूव के लिए। आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो गाइस, आप कौन सा ऐप यूज करते हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। मैं आपको ऑटोमेटिक बता रहा हूँ जिसका नाम है बीजी रिमूव। अगर आप गूगल पर सर्च करो या फिर इसका ऐप भी लॉन्च हो चुका है, गाइस, तो आप इसको इंस्टॉल कर लो या फिर आप गूगल पर जाकर लिखो बीजी रिमूवर, ठीक है। आप पहला जो ऑप्शन आएगा वहां से आप क्लिक करो, वहां पर क्लिक करने पर अपना फोटो अपलोड करो जिससे आप रिमूव करना चाहते हो। रिमूव करने के बाद वहां पर आपको अपलोड होने के बाद आपको एक सिंपल आपको जो आएगा एक जो फ्री रहेगा, और आप फुल HD चाहते हो तो उसके लिए कुछ क्रेडिट देना पड़ता है, उससे हमको कोई लेना देना, हमको फ्री फोटो चाहिए। तो गाइस हम फ्री में वहां पर आप डाउनलोड कर लेना, वहां पर जो आपको फोटो शो अप होगा उस पर आप ना जहां यूज करना चाहते हो या फिर आप पिक्सल या फिर पिक्सार ओपन करो, ठीक है। फिर आप थंबनेल बनाओ, HD बनाओ, अच्छे से बनाओ, फिर उसका सेव इसमें HD में सेव करना, राइट। आप पिक्सल लैब में भी HD में सेव कर सकते हो गाइस, तो आप पिक्सल लैब या पिक्सार दोनों में ही थंबनेल बना सकते हो, बढ़िया है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, आप काफ़ी नॉलेज मिला होगा। और आपको पहले ही थंबनेल बनाने से पहले आपको लाइट रूम में जाना है, कोई भी आप ऐप यूज करते तो थंबनेल यानी फोटो का कलर मैचिंग कर लीजिए। बिना कलर मैचिंग के थंबनेल मत बनाना गाइस, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कलर मैचिंग करो तो फोटो थोड़ा साफ हो जाता है, लाइट हो जाता है, ब्राइटली हो जाता है अगर आप एडिटिंग करते हो तो थोड़ा साफ से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों से जल्दी से शेयर कर दो गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के बाद चैनल सब्सक्राइब किए बिना जाना मत गाइस। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।